और कोरोना के चलते राजस्थान में जारी लॉकडाउन में राजस्थान पुलिस घर के बाहर क्रिकेट और गुल्ली डंडा खेल रहे मासूम बच्चों के साथ बदमाशों जैसा सलूक कर रही है। राजस्थान के टोंक जिले में पुलिस ने आधा दर्जन बच्चों को बदमाशों की तरह घेर कर पकड़ा और क्वारंटीन कर दिया। राजस्थान पुलिस आजकल लॉकडाउन में घर के बाहर गुल्ली डंडा और क्रिकेट खेल रहे मासूम बच्चों को जाल बिछाकर पकड़ने में जुटी है। विश्वास नहीं हो रहा है तो राजस्थान से आ रहे इन दोनों तस्वीरों को देख लीजिए। देखिए कैसे जयपुर में हाजी रफाअत अली के जनाजे में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाती 15,000 लोगों की भीड़ के साथ कांग्रेस के दो विधायक भी शामिल हैं। राजस्थान पुलिस के जवान भीड़ को रोकने के बजाय चाक चौबंद सुरक्षा में तैनात हैं। वहीं दूसरी तस्वीर टोंक जिले की है। खाली मैदान में जब मासूम बच्चे गिल्ली डंडा और क्रिकेट खेल रहे थे तभी दो थानों की पुलिस ने सभी बच्चों को अपराधियों की तरह घेराबंदी करके पकड़ लिया। सभी को क्वारंटीन रहने का फरमान सुना दिया, लेकिन इस पूरे मामले में सियासत गर्मा गई है। ये कलेक्ट्रेट के पास में कोई ग्राउंड है, उसके अंदर कुछ बच्चे हैं जो क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, तो इस इत्तला पर मैंने कोतवाल और पुरानी टोंक और ट्रैफिक वालों को बुला करके और चारों तरफ से दबिश दे के कुछ 7 जनों को पकड़ा है। कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार में पहले से ही जुबानी जंग जारी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।